अगर फिर दोस बर रुए जमीन अस्त जिस कश्मीर की पहचान कुछ सालों पहले तक आतंकवाद और दहशतगर्दी के रूप में होती थी, आज उस कश्मीर में अमन चैन लौट रहा है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के सख्त तेवर ने वहां आतंकवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। देश विरोधी ताकतों के बहकावे में आ जाने वाले युवा अब सही रास्ते पर लौट रहे हैं। इन युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए मोदी सरकार दिन रात काम कर रही है। केंद्र में आते ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। कश्मीर की वादियों में अब अमन चैन की फिजा लौटने के साथ साथ वहां विकास के उगते सूरज की झलकियां भी दिखने लगी है। श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर दशकों से आतंक से प्रभावित जिला बांदीपुरा इस उगते सूरज की मिसाल बनी है। बांदीपुरा एक ऐसा जिला रहा है जहां घुसपैठ कर आतंकियों का पहला पड़ाव रहता है, लेकिन अब यहां की तस्वीर बदलने लगी है। मोदी सरकार की पहल से राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर यहां पहले ग्रामीण बीपीओ की स्थापना की है। बीपीओ में पहले बैच में 250 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं 600 युवाओं को आईटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस पहले ग्रामीण बीपीओ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कश्मीर दौरे के दौरान 3 फरवरी को करेंगे। बांदीपुरा में बने इस पहले ग्रामीण बीपीओ के खुलने के बाद अब देश की कई कंपनियां कश्मीर में ऐसे बीपीओ में निवेश करने के लिए सामने आ रही है। मोदी सरकार इस तरह के ग्रामीण बीपीओ को जम्मू कश्मीर के हर जिले में खोलने की योजना पर काम कर रही है। इस बीपीओ के खुलने से वहां के स्थानीय युवा बेहद खुश दिख रहे हैं। वहीं इस पहल को लेकर घाटी के युवाओं का कहना है कि इससे घाटी में बेरोजगारी खत्म होगी। केवल बांदीपुरा ही नहीं बल्कि सभी ग्रामीण इलाकों में ये युवाओं के लिए मददगार साबित होगा। युवा पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकते हैं और अपनी जरूरतें पूरी भी। रोजगार ही नहीं बल्कि इससे युवाओं का विजन भी बढ़ेगा और नया सीखने को भी मिलेगा।